आज तक किसी भी पार्षद ने ये नहीं कहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी में, आपके साथ मोनिश। तो आज हमारे साथ मौजूद है गणेशपुर से नितिन कुमार उर्फ कृष्णा, जो कि नगर निगम चुनाव के पार्षद पद के भावी उम्मीदवार है। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल नमस्कार सिटी में। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ, आपने मुझे ये मौका दिया। तो सर, आप पार्षद के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें भावी उम्मीदवार है? जी, मैं पिछली बार भी वैसे वार्ड से चुनाव लड़ा था और इस बार भी चुनाव में इसलिए लड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ की जनता ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ें। मेरा कोई चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन मैंने असल ये देखा कि जब सब लोग कह रहे हैं, सब लोगों ने सपोर्ट किया, तो इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ चुनाव के लिए। तो सर, सबसे पहला काम क्या रहेगा अपने वार्ड में, जो आपको चुनाव लड़ने का जो ये बात आई आपके दिमाग में, ये आपके वार्ड की किस चीज़ को देखकर, किस कमी को देखकर आई? इसलिए आई कि अभी हमारे यहाँ पे वार्ड में क्या है कि जो लाइट लगी हैं कुछ लाइट ख़राब हैं, स्ट्रीट लाइट ख़राब है हमारी। नाली हैं तो कुछ जगह नाली बनी हुई हैं, कुछ जगह नहीं बनी हुई हैं। कुछ जगह सड़क बनी हुई है, कुछ जगह नहीं बनी हुई है। नगर निगम के हाउस टैक्स वगैरह हम सब कटवा रहे हैं लेकिन वहाँ पे फैसिलिटी वो नहीं मिल पा रही हैं। किसी को राशन कार्ड बनवाना या किसी को कुछ भी काम कराना तो पार्षद नहीं मिल पाता, पार्षद के साइन नहीं हो पाते, तो वो बहुत इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसके लिए उस चीज़ को मैंने भी फेस किया है। खुद मेरे घर के सामने सड़क नहीं बनी तो फिर मैंने कह सुन के जो पार्षद के पास गया, विधायक जी के पास गया, जब वो सड़क मैंने बनवाई, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की वो जो मैं और सभी लोगों के सामने भी ये प्रॉब्लम फेस ना हो। तो सर, सफाई व्यवस्था की बात आती है, सफाई व्यवस्था कैसी आपके? सफाई व्यवस्था भी ये है कि कर्मचारी लोग सभी अच्छे हैं लेकिन उनको मैनेजमेंट कराने का तरीका सही नहीं है। अगर हमारा काम मैनेजमेंट काम कराने का सही तरीका हो तो सफाई हो जाएगी, लेकिन अभी कोई सफाई प्रॉपर उस हिसाब से नहीं है। बरसात के मौसम में पानी भरा रहता है, क्यों भरा रहता है? क्योंकि प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती। प्रॉपर सफाई होगी तो सफाई भी होगी और पानी भी भरा होगा, कम रहेगा। तो सर, अगर आप पार्षद बनते हैं तो आपका सबसे पहले अपने वार्ड को क्या वो रहेगा? मेरा सबसे पहले ये रहेगा, जहाँ भी लाइट हैं वहाँ पर लाइट की व्यवस्था करानी है, कोई नाली वगैरह का या सड़क का कार्य है वो कराना है। और उससे अलग मैं आज तक किसी भी पार्षद ने ये नहीं कहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं अपने वार्ड में जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ूंगा उस वार्ड में मैं एक पार्क की व्यवस्था ज़रूर कराऊंगा ताकि वहाँ पर उस वार्ड के आदमी उस पार्क में जा सकें, क्योंकि अभी किसी भी वार्ड में जो कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है। तो सर, ये आप नगर निगम के माध्यम से कराएंगे? ये नगर निगम के माध्यम से कराएंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कराने भी पड़ते हैं, कुछ काम लाने भी पड़ते हैं, तभी हम काम करा पाएंगे। तो सर, पानी की समस्या भी आपने बताई, बरसात की जो है वो अभी तक के कोई विधायक जी के पास गए आप या मेयर जो थे 3.5 साल में? कई बार गए हम लेकिन वो व्यवस्था सही नहीं हो पाई। वह सबको पता है, पूरी रुड़की को पता है, रुड़की IIT है लेकिन IIT से 100 साल पुरानी IIT होने के बावजूद भी ये व्यवस्था यहाँ पे हो जानी चाहिए थी, जो व्यवस्था नहीं है। तो आपका कहना है कि रुड़की काफ़ी टाइम से है और अभी तक किसका जो पानी का जल भराव की समस्या है वो अभी तक के नहीं ठीक, अभी तक नहीं हो पाई। तो आप उसमें अपने वार्ड के लिए काम करेंगे? मैं अपने वार्ड के लिए पूरा काम करूंगा और वार्ड से अलग भी अगर मेरे पास कोई आएगा जो मेरे दायरे में होगा उसका भी मैं काम करूंगा। तो आपने देखा भी हमारे साथ कृष्णा जी मौजूद थे गणेशपुर से, इन्होंने अपने वार्ड को जो जल भराव की समस्या उससे निजात दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।